नमस्कार कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ फटाफट अंदाज में नजर डालेंगे आज की पांच बड़ी खबर पर और सबसे पहले बात दिल्ली के करेंगे तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब रीति केस में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आपको बताया कि सिसोदिया को तिहाई जेल में रखा जाएगा सोमवार को हुई सुनवाई में स्पेशल सीबीआई जज एम के नागपाल ने सिसोदिया को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा सीबीआई के वकील ने कहा कि सिसोदिया की और रिमांड नहीं मांगी जा रही है लेकिन अगले पंद्रह दिनों में जरूरत पड़ने पर दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है चार मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया के सीबीआई रिमांड दो दिन यानी छह मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी जो सोमवार को खत्म हो गई हालांकि सीबीआई ने कोर्ट से तीन दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट दस मार्च को दोपहर दो बजे फैसला सुनाएगा और सीबीआई उन्हें छब्बीस फरवरी को गिरफ्तार किया था सत्ताईस फरवरी को उनके कोर्ट में पेश हुई थी और यहाँ से सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था और अब बात करें बिहार की तो आपको बताएं कि आज सीबीआई की टीम राबड़ी आवास पहुंची जमीन के बदले नौकरी देने के मामले को लेकर के सीबीआई की टीम का राबड़ी आवास पर कब्जा रहा और ऐसे में राबड़ी आवास में जो दबज थी सीबीआई की टीम ने राबड़ी देवी से पूछताछ की है इस पूरे मामले को लेकर और साथ ही इसके बाद राबड़ी आवास के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लग गया समर्थक जो है वो लालू की तस्वीर लेकर वहां पर आक्रोशित नजर आए रावड़ेवास के बाहर और समर्थकों का पार्टी नेताओं का यह कहना है कि से परेशान किया जा रहा है लालू यादव को और ये भी कहना है कि सच्चाई परेशान हो सकती है सच्चाई को परेशान किया जा सकता है लेकिन कभी पराजित सच्चाई नहीं हो सकती है और आपको बताया कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की टीम सोमवार सुबह से लालू यादव की पत्नी और पूर्व सीएम रावड़ी देवी के आवास पहुंचे और करीब कई घंटों तक सीबीआई के अफसर आवास पर रहे रावड़ी देवी से पूछताछ के बाद टीम आवास से निकल गई और दिल्ली में मंगलवार को लालू यादव और मीसा भारती से पूछताछ कर सकती है और इसके बाद रावड़ी देवी विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल होने पहुंची छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आए उन्हें ले गए की पूछताछ के सवाल पर रावड़ी देवी ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है ये सब चलते रहता है वही डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा कि जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से यह हो रहा है हर महीने हो रहा है मैं तो कहता हूँ कि सी आवास पर ही दफ्तर खोल दें तो पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल से मुलाकात की वहीं आपको बताएं कि राज्यपाल से मुलाकात कर प्रतिनिधि मंडल राज्य के राज वर्तमान हालात पर चर्चा की और राज्य में अराजकता की स्थिति का आरोप लगाते हुए प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है वही बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर कई प्रकार के आरोप लगाते हुए राज्यपाल से शिकायत की है। तो होली है और होली में शराब तस्करों का एक अलग अंदाज देखा गया है? यो कह सकते हैं कि पुलिस डाल डाल और शराब तस्कर पात पात है एक अलग ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया बिहार से यानी होली में शराब तस्करों का जो चौंकाने वाला वीडियो है वो सामने आया है और अब तक कहते हैं कि शराब जो एम्बुलेंस आ रही थी लेकिन इस बार तस्करों ने एम्बुलेंस के अंदर ताबूत में शराब भर कर ले आए ताबूत पर फूल मालाएं चढ़ा दी जिसमें लगे कि उसमें डेड बॉडी है नालंदा पुलिस ने दो तस्कर और एक एम्बुलेंस ड्राइवर को गिरफ्तार किया एम्बुलेंस में रखी ताबूत में पांच बैग ब्रांडेड विदेशी शराब बरामद किया गया है और इन पांच बैग से कुल एक बोतल शराब की बरामद की हुई है और एम्बुलेंस चालक की पहचान झारखंड के बोकारो निवासी सुनील कुमार सिंह के रूप में की गई है वही तस्कर निवासी मदन मदन शर्मा और मिश्रा को इस शराब तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया है तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है होली का दहन और होलिका जलाने को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है युवाओं ने होली जलाने के लिए जगह जगह लकड़ियों का ढेर जमा कर दिया है और साथ ही आज रात अड़तीस होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है और बता दें कि रंगों और खुशों का त्यौहार होली मुख्य रूप से दो दिन मनाया जाता है और पहले दिन होलिका दहन किया जाता है जबकि इसके अगले दिन रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को लोग रंग गुलाल लगाते हैं और होली मनाते हैं और होली जिले में जगह जगह तैयारियां की गई हैं युवाओं ने के लकड़ियां व दूसरी चीजें इकट्ठा की है नवादा शहर में करीब छह से आठ जगहों पर होली का दहन होता है और मुख्य रूप से शहर के चौक चौराह पर होली का दहन किया जाता है होली का दहन के अगले दिन सुबह में होली का गिराक लोग सिर में या पूरे शरीर में लगाते हैं तो होली के एक दिन पहले यानी अक्षय का जो है वो मनाया जाता है और अक्षजय चलाने को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जाता है जगह जगह चौक चौराहे पर होली का दहन किया जाता है और लोग उसमें जाते हैं जो परंपराएं हैं वो सदियों से चली आ रही है होली का दहन की तो ये थी आज की पांच सबसे बड़ी खबर फिर होगी मुलाकात पांच बड़ी खबरों के साथ और साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चाहे बिहार की बात हो झारखंड की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात हो छत्तीसगढ़ की बात हो इन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए ताकि हर खबर की अपडेट आप तक पहुँच सके मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए कशिश न्यूज के साथ नमस्कार